पैडिस वगैरह नहीं लिए हैं, ठीक है, थोड़ी मेरी मतलब तबियत तो ईयरफोन नहीं लगाए मैंने। हेलो हेलो, मैं ये करता अभी मैंने नहीं कराई हैं, वैसे भी नहीं कराई हैं आपके, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाऊँगा अभी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन चैप्टर दे दूँ, क्योंकि ये तो वैसे क्योंकि ये तो वैसे थोड़ा छोटा रखते हैं, तो छुट्टी करने से बेटर है कि मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा दूँ, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, गुप्ता युग का, ठीक है, गुप्ता पीरियड का। और बाकी जो डाउट्स वगैरह हैं वो कल मैं एक कल मैं आपको या तो लाइव क्लास में देख लेना, नहीं तो मैं कल सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड भी करूँगा, उसमें आपको बता दूँगा, ठीक है। गुप्ता पीरियड, गुप्ताज पीरियड या एज ऑफ गुप्ताज कहो, बात है कि एज मतलब पीरियड ही होता है ना, तो सारे पीरियड पीरियड इनको समझो जरा। संगम एज के बाद अभी गुप्ताज एज की बात कर रहे हैं, संगम पीरियड के बाद गुप्ताज पीरियड की बात कर रहे हैं, गुप्ता जूलर्स के, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये नाम सुन के ना चंद्रगुप्त तो मौर्य को याद मत कर लेना गलती से भी। और चंद्रगुप्त थे वो मौर्य थे, वो कौन थे, मौर्य, उनका मौर्यन एम्पायर था, उनका मौर्यन एम्पायर था। ये चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य हैं, ये चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य हैं जिनका गुप्ताज एम्पायर था, गुप्ताज डायनेस्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है बेसिकली, थोड़े से इंट्रोडक्शन मतलब पोर्शन पढ़ते हैं इसका, बहुत कम दिया हुआ है, बहुत छोटा दिया हुआ है, बहुत छोटा, दो मिनट को मैं देखने को मुझे क्या क्या समझाना है इसमें, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कुछ नहीं है, क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं, जरा फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हिस्ट्री है। तीन तीन हमें रूलर्स के बारे में मेनली इसमें पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ अबाउट टू सेंचुरी, यानी एक और टू सेंचुरी, यानी एक ऐसा पीरियड जो लगभग दो सेंचुरी तक चला, दो सेंचुरी का मतलब समझते हो 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट 200 ईयर, यानी एक ऐसा पीरियड, एक ऐसी डायनेस्टी जो लगभग 200 साल तक चली, फ्रॉम अर्ली फोर्थ सेंचुरी की स्टार्टिंग से, इज नोन एज द इम्पीरियल एज ऑफ द गुप्ता, उसको गुप्ताओं के इम्पीरियल एज कहा जाता है, उनको गुप्ताओं के इम्पीरियल एज कहा जाता है। इम्पीरियल मतलब इसका एक फैसिनेटिंग वर्ड है, फैसिनेटिंग वर्ड मतलब क्या, इसका उन्होंने तो फेमस किया, बस फेमस को इन्होंने एक अच्छे तरीके से लिख दिया, एक अच्छे तरीके से, है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर एक अच्छा शानदार वर्ड बना दिया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन 200 सालों में, दो सेंचुरी में, इन, है ना, मतलब इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की, चाहे वो एजुकेशन का मैटर हो, चाहे वो साइंस का मैटर हो, चाहे वो कल्चर का मैटर, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड का, तो हर तरीके से वहाँ पर ग्रोथ हुई थी। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री,
इसको क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता था। एक से मैं सर्च करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, जरा मेरे को कंफर्म करना है। दो सेकंड रुकना। अगर आपने कभी बेताल 25 से पढ़ी हो, सर बेताल 25 से क्या है? नहीं सुना, छोड़ो। विक्रम बेताल की कहानियां कभी अगर आपने सुनी हो, तो उसमें से विक्रम होता था ना, विक्रम, वो विक्रम यहाँ से आते हैं, वो विक्रम यहाँ के किंग हैं, वो आते हैं। तो इसमें बताया कुछ भी नहीं, बताया इस इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं बताया। बेसिकली यहाँ का जो, यहाँ के जो सबसे बड़े रूलर थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त, जिनको चंद्रगुप्त फर्स्ट बोला जाने लगा। बाद में इनके बेटे आए, समुद्रगुप्त। ठीक है, बाद में इनके बेटे आए, चंद्र, उनका नाम था चंद्रगुप्त टू। इन्हीं को दूसरे नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो विक्रम बेताल में जो विक्रम जो होता है, जिसकी पीठ पर जो हजी जो ये कहा जाता है कि रोज रात को निकलते थे, ठीक है, तो इनके पीठ पर एक भूत लटक जाता था जिसका नाम बेताल था। और बेताल इनको कुछ ना कुछ डेयरिंग टास्क लेता था, और इनको डेयर करने में इतना मजा आता था कि रोज उस डेयर को पाने के लिए रोज रात में उस भूत से मिलने जाते थे। क्योंकि अगर ये उस डेयर को फेस नहीं कर पाए, उसे चैलेंज में पास नहीं हुए, तो उनकी डेथ हो जाएगी। अगर बेताल का चैलेंज पास ना करें तो ये फेल हो जाएंगे। तो ये अपने आप को चैलेंज देते थे कि क्या मैं इतना होशियार हूँ या नहीं। अगर मैं इतने बड़े किंगडम का राजा हूँ, तो मेरा समझदार होना बहुत जरूरी है, मेरा मेंटल लेवल पर इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ताकि मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकूँ। तो ये अपने मेंटल लेवल को, अपनी मेंटल प्रिपेयरनेस के लिए, अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए उस भूत के पास जाते थे, कि भूत उनको ऐसे मेंटल टास्क देता था कि उसको उसको करने वाला उसको जो कर सकता है उस टास्क के लिए, वो वास्तव में इंटेलिजेंट ही होगा। तो अपने इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे आ रहे थे बेसिकली। तो वाले विक्रम है ये, मतलब इतने बड़े रूलर थे, इतने बड़े रूलर थे। माना जाता है इनका जो, जिस किंगडम पर जहाँ पे ये रूल करते थे, उज्जैन में बेसिकली करते थे। मतलब ऐसा रीजन है, आपको पता है कि हमारी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी क्यों हैं, ऐसा कहा जाता है। रियलिटी है या नहीं पता नहीं, रियलिटी है या नहीं पता नहीं, हमारी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी क्यों हैं आपको पता है क्यों हैं? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, हम इतना खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सड़कें प्रॉपर है ही नहीं पाते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? मतलब ऐसा इन कहानियों में लिखा गया है, रियलिटी है या नहीं है नो वन नोज। ठीक है, ये तो अपने बिलीफ के ऊपर है।
ऐसा मानना था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका कितने पैसा खर्च कर ले। एक श्राप लगा हुआ, एक श्राप लगा हुआ, एक कर्स लगा हुआ है। कर्स एक श्राप, अगर आपको पता होता हो क्या होता है कर्स, है ना, वो लगा हुआ है हमारे ऊपर, जिस वजह से हमारी सड़कें सही नहीं हो सकती। सर वो श्राप क्या था बेसिकली, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सिंहासन था, थ्रोन बेसिकली इसको बोलते हैं, थ्रोन बेसिकली जो सिंहासन था, जिस गद्दी पर ये बैठते थे, माना जाता है वो सिंहासन को किनसे मिला था, इंद्रदेव से, लॉर्ड ऑफ रेन, लॉर्ड ऑफ रेन, इंद्रदेव से। और माना जाता है विक्रमादित्य की डेथ के बाद, विक्रमादित्य की डेथ के बाद उस सिंहासन के चार टुकड़े कर दिए गए, उस सिंहासन के चार टुकड़े कर दिए गए, और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर दफना दिया। तो माना तो क्योंकि उनके टुकड़े चार कर दिए गए, टेढ़े मेढ़े चार टुकड़े कर दिए गए, उस वजह से हमारा जो सरफेस है बेसिकली वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। हम उसको कितना भी सही करने की कोशिश कर लें, टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। ये सांप लगा हुआ था बेसिकली, ऐसा है बेसिकली। तो आपको चंद्रगुप्त टू पता चल गया, कौन से वाले चंद्रगुप्त, ये वो वाले चंद्रगुप्त हिस्ट्री में बहुत फेमस है, जो हिस्ट्री में बहुत फेमस है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख पढ़ते हैं कि हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है। ज्यादा तो नहीं, एक सोर्स तो हम पढ़ ही सकते हैं, एक सोर्स तो हम पढ़ ही सकते हैं, हमारे पास टाइम है। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। सोर्सेज, द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर द गुप्ता जार फॉलो, अकाउंट्स ऑफ फाहियन, फाहियन के अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब यहाँ पे किताबों से बेसिकली, उसके जो उन्होंने जो लिखा था। फाहियन वाज द अर्लीस्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ऑन अ रिलीजियस मिशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। फाहियन वो चाइनीज पिलग्रिम है, पिलग्रिम मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो तीर्थ यात्री, जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, होली प्लेसेस पर जाते रहते हैं। तो एक चाइनीज पिलग्रिम थे, इनको होली प्लेसेस पर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार की बात है, इंडिया में आए, इंडिया में विजिट करने आए, उस टाइम पर जो रूलिंग पीरियड था, एक रिलीजियस मिशन के लिए थे, एक रिलीजियस मिशन के लिए आए थे, यानी एक धार्मिक काम के लिए आए थे। उस टाइम पर जो रूलिंग चल रहा था वो चंद्रगुप्त टू की चल रही थी, उस टाइम पर चंद्रगुप्त टू यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रूल कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू मथुरा, वो मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, राजगढ़, इन सारी जगहों पर गए, इन सारी जगहों के तीर्थ स्थानों पर गए, यानी इन इन जगहों पर जितने भी होली प्लेसेस थे वो वहां पर गए। ही मेड केयरफुल अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अनबायस होकर यानी इनडिफरेंट होकर, मतलब किसी का इम्पार्शल होकर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाली। वो क्या थी, अबाउट द कंडीशंस एट द टाइम, उस टाइम की कंडीशन क्या थी वो उन्होंने निकाली, है ना, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी। अकॉर्डिंग टू फाहियन अकाउंट, अब वो उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन कहीं पर लिखी है, तो अब वो बता रहे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे उनके। मगधवजा प्रॉस्पेरस कंट्री, मतलब यहाँ पे कंट्री मतलब यहाँ पे स्टेट से है, पहले हर बड़े राज्य को कंट्री बोल दिया जाता था। ठीक है, लार्ज टाउन सब विद लार्ज टाउन सब बहुत बड़े टाउन होते थे, टीमिंग विद वेल्दी पॉपुलेशन, भरे हुए थे, टीमिंग मतलब भरे हुए भरे हुए थे बहुत धनी लोगों से, वेल्दी मतलब बहुत रिच लोग थे वहाँ के, रिच पॉपुलेशन थी वहाँ की। पाटलिपुत्र कैसी थी, फ्लरिशिंग सिटी थी, जहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे, हॉस्पिटल थे जो जो नॉर्मल लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बने हुए थे। ऑल दो द पीपल वर वेल्दी, बेशक लोग वेल्दी थे, दे लीड सिंपल लाइफ, यानी वो सिंपल लाइफ लिव कर किया करते थे, ज्यादा तो शौक नहीं था उनके कुछ। जनरली ऑब्जर्विंग द बुद्धिस्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट, वो बुद्धिस्ट रूल को बेसिकली फॉलो करते थे। वैष्णविज्म, सेविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर द मेन रिलीजियस रिलीजन्स, एंड उस टाइम पर जो भी लोग फॉलो करते थे वो ये वाले रिलीजन थे। आई एम नॉट श्योर, पर जहाँ तक मेरे को पता है, वैष्णविज्म मतलब एक ऐसा रिलीजन जहाँ पर सिर्फ लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है, सेविज्म केवल वो रिलीजन जहाँ पर सिर्फ शिवा की, लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है, बुद्धिज्म आपको पता है गौतम बुद्ध, और जैनिज्म मतलब महान। तो ये मेन रीजन थे इन लोगों के। पीपल हाउ एवर हैड नो इल विल टुवर्ड्स अदर सेक्ट्स, यानी कि लोगों की फिर भी कोई बुरी भावना नहीं थी, कोई बुरी भावना नहीं थी किसी दूसरे रिलीजन के लिए। ठीक है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस वर डेपिक्टेड ऑन द कॉइन्स एंड ऑर्फन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, हिंदू गॉड्स या गॉडेस की जो पिक्चर्स होती थी वो कॉइन्स और स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में शो की जाती थी, डिपिक्ट की जाती थी। द पिनल कोड वॉज माइल्ड, पिनल
पिनल कोड मतलब क्या, पेनल्टी, पेनल्टी देने का जो रूल था बेसिकली, पेनल्टी देने का जो कोड था, जो रूल था वो काफ़ी हल्का था, माइल्ड मतलब काफ़ी हल्का था। एंड ऑफेंसेस वर ऑर्डिनरी पनिश्ड बाय फाइन ओनली, मतलब कोई अगर कोई अपराध भी करता था ना तो उसको कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती थी, केवल उसको पनिश कैसे किया जाता था, बस फाइन दे दो या फाइन दे दो बस हो गया आपका ऑफेंस पूरा, यही पनिश मिलती थी। कोई मारते पीटते नहीं थे, कोई ज़्यादा टाइम के लिए कैद नहीं रखते थे, केवल फाइन देकर छोड़ देते थे। ये बेसिकली उनके नोटिंग है, ये आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मगध के बारे में बताया, पाटलिपुत्र के बारे में बताया, सिंपल लेफ के बारे में बताया, रिलीजन्स के बारे में बताया, पिक्चर्स के बारे में बताया, हाँ, और पिनल कोड के बारे में बताया। ठीक है, आपको याद रखना है। फ्रॉम द अबव अकाउंट इट कैन बी इनफर्ड, इनफर्ड मतलब गेस करना, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुप्ता एम्पायर वॉज आप प्रॉस्पेरस, काफ़ी प्रॉस्पेरस एम्पायर था, एंड गवर्न ऑन एनलाइटेंड प्रिंसिपल। एनलाइटेंड मतलब क्या, ऐसे सिद्धांत जो किसी परम ज्ञानी इंसान ने बनाए हों। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल से गवर्न था बेसिकली, काफ़ी पढ़े लिखों वाले, काफ़ी परम ज्ञानी लोगों वाले थे, काफ़ी अच्छा अच्छा हमारे बारे में, काफ़ी अच्छा अच्छा हमारे बारे में लिखा। तो एक तो हमें इनके थ्रू पता चलता है, और किसके भी थ्रू में पता चलता है। ठीक है, ये फाइल इनके पिक्चर्स विक्चर दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाई देते थे उस टाइम पर। और दूसरा जो सोर्स है वो बेटा कल करेंगे, थोड़ा मुझे माफ़ करना, थोड़ी आपकी जो क्लास की लेंथ है ना वो थोड़ी छोटी हो रही है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत छोटी छोटी हो रही है, पर एक बार तबीयत में ठीक होने दो। मैंने ट्राई किया है कि अब तब एक तो पहले मैं इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए फ्राइडे की भी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं दिन की छुट्टी भी लेता था कि है ना, लेकिन मैंने सोचा क्लास की लेंथ में छोटी कर रहा हूँ तो कम से कम मैं छुट्टी तो ना करूँ, ताकि वो थोड़ी क्लास की लेंथ कंपनसेट हो जाए। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा संडे को भी एक लेक्चर में रिकॉर्ड आउट कर दिया करूँ, और लाइव तो ले रहा हूँ, ताकि ये जो आपका टाइम कम हो रहा है वो एक आपका संडे को एक एक्स्ट्रा हो जाए, एक आपका फ्राइडे को भी एक्स्ट्रा हो जाए। जो मैं एक ऑफ लेता था बेसिकली 6 डेज इन वीक मैंने बात की थी, पर मैं 7 डेज ही पढ़ा रहा हूँ अब मैं, किसी दिन बीमारी वगैरह हो जाती तो बहुत अलग है, कहीं बाहर जाना पड़ता बहुत अलग है, बट बेसिकली मैं छुट्टियाँ मैंने कम कर दी और संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास देना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और फ्राइडे को, तो आपके आप क्लास थोड़ा कम्पनसेट हो जाए। ठीक है, तो माइंड मत करना कि क्लास की लेंथ छोटी हो रही है, मैं क्लास की लेंथ छोटी हो रही है लेकिन मैं नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ा रहा हूँ, है ना, तो नंबर ऑफ क्लासेस फिर मैं थोड़ी सी बढ़ा भी रहा हूँ, है ना। आज तो नहीं पढ़ते हैं, आज तो स्क्रीन में बोला भी नहीं जा रहा है, छाले भी हो रहे हैं और थोड़ा आँखों में भी पेन हो रहा है, तो मैं सिस्टम भी देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है,